नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महतारी वंदन योजना पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन, प्रदेश में इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कला केंद्र का किया लोकार्पण, कहा बच्चों व युवाओं को प्रतिभा निखारने मिलेगा अवसर। और कौशल्या देवी साय ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन, कहा प्रदेश के बच्चे आगे बढ़े और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। भाजपा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की पहली किश्त प्रदान कर दी है। योजना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश में इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ होगा। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश में इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी को आज पूरा किया गया है। प्रदेश की 70,12,600 विवाहित महिलाओं के खातों में लगभग 655 करोड़ रुपए खातों में अंतरित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं हुआ होगा कि आज मोदी जी की गारंटी का एक वादा फिर पूरा किए। महतारी बंधन योजना में 70,12,600 विवाहित माता बहनों के खाता में 655 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज अंतरण की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के 180 स्थानों पर महतारी वंदन योजना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा कि लाखों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में महिलाओं ने हमें आशीर्वाद दिया, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। 180 जगह में कार्यक्रम आयोजित था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्क्रीन में सभी जगह अधिकांश जगहों को उन्होंने देखा और आप लोगों ने भी सुना कि बहुत खुश थे। लाखों की संख्या में माताएं बहनें जुड़ी थीं और इस बात का एक प्रमाण है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में माता बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे भी बढ़ चढ़ के लोकसभा चुनाव में उनका आशीर्वाद मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कला केंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि कला केंद्र से कलाकारों को एक नया मंच मिलेगा, उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर अपना संदेश भी रिकॉर्ड कराया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रायपुर के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ रहा है। यहां कला केंद्र रायपुर का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें 12 विधाओं की कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिस क्षेत्र में जिनकी रुचि है उन्हें सिखाया जाएगा। ट्रेनर की भी व्यवस्था यहां की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इस कला केंद्र में बच्चों से लेकर युवाओं को कला की 12 विधाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। रायपुर के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ रहा है। यहाँ पर कला केंद्र रायपुर का शुभारंभ कर रहे हैं जिसमें 12 विधा यहाँ पर सिखाया जाएगा। नृत्य, गायन, विभिन्न तरह का जो भी जिनको जिसमें भी रुचि है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चे आगे बढ़ें और उनका भविष्य उज्जवल हो, मैं यही कामना करती हूं। प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करते हुए कौशल्या देवी साय ने कहा कि आज उन्हें स्कूली बच्चों के बीच जाने का मौका मिल रहा है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बच्चों का रहन सहन कैसा है, उनके लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था कैसी है। ऐसे स्कूलों में गरीब तबके के बच्चे ज्यादा होते हैं, इसके लिए हम उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या बोलूं, है छत्तीसगढ़ की जनता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ, बहुत बहुत आभार कि आप सबने मेरा जन्मदिन इस तरीके से मनाया है। और समस्त मीडिया लोग के भाई बंधु बहन आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से हमारा जो संदेश है आप पहुंचा रहे हैं जनता। तो बहुत सौभाग्य हमारा कि आज इस बार हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बच्चों के साथ मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सहजी के साथ हमने घर पर जन्मदिन मनाया, फिर अभी एक दो जगह और जाना है, शाम को फिर बच्चे के साथ मनाना है, तो हमारी बेटों ने भी कुछ घर में तैयारी कर रखी है तो उनके साथ भी मनाना है, तो इस तरीके का हमारा उत्सव बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर कौशल्या देवी साय को खास अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय के साथ केक काटते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि यह कहावत कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है, मेरे विषय में तो 100% सच है।
आज जो कुछ भी कर पाया हूँ वह अर्धांगनी कौशल्या साई जी के बिना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे ने लोकसभा चुनाव में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर डीबी लाइव से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले की सड़कों के साथ ही उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं को लेकर काम किया जाएगा। डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के कोरबा कार्यालय में पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे ने कोरबा जिले की प्राथमिकताओं पर प्रमुखता से बात रखी। सरोज पांडे ने कहा कि क्षेत्र का विकास हो और विकास को ही हम चुनाव में सामने रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर कार्य करेंगे। क्षेत्र का विकास हो और इस चुनाव में हम विकास को ही सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका विकास सबका साथ इस भावना के साथ वो हमेशा से काम करते हैं और हम भी उसी भावना के साथ क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। महतारी वंदन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह हम बहनों का सम्मान है, सम्मान को किसी चीज से तौला नहीं जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी थी, उसे पूरा किया। कोरबा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है। कोरबा से मुख्यमंत्री के तालमेल को लेकर उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। वंदन देकर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा महिलाओं को सौगात दिया है। मुझे लगता है कि ये हम बहनों का सम्मान है और सम्मान को किसी चीज से तौला नहीं जाता है, उसे चुनाव से नहीं देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा तक पहुंचे, इसीलिए मैं इस मैदान में हूं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी का दर्शन कर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लोकसभा में वो स्वर नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हमने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए काम किया है, अब इस दमदार आवाज को लोकसभा में भी गूंजना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से जैसे जैसे समय बीत रहा है जनता के हाथ में निराशा ही लग रही है। जनता को दिखाए सपने पूरे नहीं हुए और पहले से चल रही योजनाओं को एक एक कर बंद कर दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।